नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। टेक स्काई चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जाबरा के हेलो स्मार्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये एक वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग जो बॉक्स पे दी गई है वो है 3,499 रुपीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने इसे ऑफलाइन स्टोर में ख़रीदा है 2,999 रुपीज़ में। तकरीबन 3,000 रुपये की इसकी प्राइसिंग है। तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे अच्छी फीचर्स इसकी ये लगी है मुझे कि इसके अंदर 17 आवर्स की टॉक टाइम आपको देखने को मिलती है और 15 आवर्स की म्यूजिक टाइम देखने को मिलती है, जो बाकी सारे ब्लूटूथ ईयरफोन से काफ़ी अच्छी और ज़्यादा भी है। अब बात करते हैं इसके और फीचर्स की। तो इसके अंदर आपको विंड का नॉइज़ प्रोटेक्शन भी दिया गया है और साथ में ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के साथ में आता है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है, तो इसे आप ध्यान रखिए। आप इसे पानी में डाल के बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप इसे पानी में डालेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। ये वाटर रेसिस्टेंस है, यानी अगर कोई पानी के छींटे पड़ते हैं तो इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे पानी में डाल देते हो तो ज़रूर से ये ख़राब हो सकता है। और इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको गूगल का जो नाव है और जो सीरी है आईफोन वाला फीचर, वो भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो आप गूगल नाव यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़ कर सकते हैं तो आप सीरी के भी मज़े उठा सकते हैं। और ये ब्लूटूथ 4 के साथ आता है। अब बात करें इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है, तो इसके साथ आपको 3 एक्स्ट्रा जेल्स मिलते हैं, यानी ईयर टिप्स मिलते हैं, एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ का, एक स्मॉल साइज़ का और एक लार्ज साइज़ का। एक USB भी मिलता है और एक आपको क्विक स्टार्ट गाइड भी मिलता है इसके। अब बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। तो ये इसका पैकेज है और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दिखाया गया है कि ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि साइड का जो इसका रिंग है वो फ्लेक्सिबल है। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको कंफर्टेबल फिट देखने को मिले, ज़रा भी आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और बॉक्स के राइट साइड की बात करें तो आपको दिया गया है जाबरा असिस्ट ऐप, यानी कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन या फिर गूगल एंड्रॉयड वाले यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो गूगल नाउ और सीरी का जो मज़ा है उसको अच्छे से ले सकते हैं। और बात करें बैक साइड की तो आपको वही सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। नीचे की तरफ आपको कुछ जो बारकोड्स है वो देखने को मिलते हैं और बॉक्स में तो आपको चारों साइड से और कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे एक सील लगा हुआ है जिसे मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से ये खुल गया है, अब इसे ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको पैकिंग देखने को मिलती है और इसके अंदर कुछ चीज़ें दी गई है। इसे निकाल लेते हैं, पहले एक मिनट के लिए इसे साइड में रखते हैं, देख लेते हैं आपको क्या क्या मिलते हैं। कुछ ये टिप्स दिए गए हैं और आपको कुछ कागज़ पत्रिका दी गई है यूज़ करने के लिए। आपको वारंटी सर्टिफिकेट भी एक मिलता है यहाँ पे और आपको एक वायरलेस और कॉर्डेड स्पीकर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है और बाकी सारे कुछ लीफलेट दिए गए हैं इसके अंदर यूज़ करने के लिए। और आपको एक USB का पोर्ट भी मिलता है इसे चार्ज करने के लिए। इसके अंदर हालांकि कोई चार्जर नहीं दिया गया है। और एक और चीज़ इसके अंदर है, ये है गेट स्टार्टेड गाइड, यानी कि क्विक स्टार्ट गाइड। आप इसे ज़रूर से पढ़ लीजिए यूज़ करने से पहले, आपकी कुछ ना कुछ तो मदद ज़रूर हो जाएगी। तो ये सब हम साइड में रखते हैं, बात करते हैं ब्लूटूथ ईयरफोन की। तो इसे हम पहले निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ इसका डिज़ाइन देखने को मिलता है और वाकई ये फ्लेक्सिबल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है और ज़्यादा वजन भी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट आपको देखने को ये मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैबरा की ब्रांडिंग दिखाई गई है और यहाँ पे आपको चार्ज करने के लिए एक पोर्ट दिया गया है, तो आप यहाँ से इसे चार्ज कर सकते हैं। और बात करते हैं अब इसके राइट साइड में। तो राइट साइड में आपको ये देखिए प्लस और बीच में एक बटन ऑन ऑफ के लिए और एक माइनस बटन दिया गया है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम को ज़्यादा या कम कर सकते हैं और इसे स्टार्ट या ऑफ कर सकते हैं। बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड की। तो लेफ्ट साइड में आपको एक माइक्रोफोन ग्रिल दिया गया है और ऊपर एक स्पीकर का सिंबल भी बनाया हुआ है, तो आप इससे फ़ोन भी रिसीव कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही डिसेंट लुक दिया गया है। ईयरफोन में आपको मैग्नेट टिप भी दिए गए हैं, तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं मैग्नेट की तरफ भी। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे दोनों साइड में ऐसे
ऐसे भी लगा सकते हैं, काफी अच्छा प्रीमियम लुक देखने को इसके अंदर मिलता है। 3000 रुपये जो प्राइसिंग रखी गई है काफी डिसेंट है, ज्यादा भी नहीं है। और इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो मैंने इसे टेस्ट नहीं किया है, मैं इसे एक हफ्ता और यूज करूंगा और बाकी के जितने भी रिव्यूज हैं आगे इसके साउंड क्वालिटी के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो लुक्स, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी अच्छी देखने को मिलती है, जो विंड और वाटर रेजिस्टेंस के साथ में आता है। आगे के वीडियोस में जल्दी आपको अपलोड करके दूंगा, मैं इसे अच्छे से यूज करने के बाद में आपको सारे रिव्यूज इसके दे दूंगा। और एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाना है इसका और सोनी SBS 20 के साथ में, तो डेफिनेटली वीडियोस काफी जल्दी आ जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी सवाल या सुझाव है तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।